अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड वेलकम टू क्वालिटी कंट्रोल सीरीज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, खास तौर पे जब आप कोई इंचार्ज बनने जा रहे हैं, कोई सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं किसी लैब के, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल ज़रूर आना चाहिए। या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो क्यूसी ऑफिसर के लिए या क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल कोऑर्डिनेटर के लिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना। और क्वालिटी कंट्रोल में ही से उसके क्वेश्चन आते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल होता है जिसमें कंपनी अपनी क्वालिटी के मयार को बेहतर करती है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या इसको मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी प्रोडक्ट को रिव्यू करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएटिंग करना, ये सारा जो है ना हम क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं। पर अगर हम बात करें लेब साइड की, तो लेबॉरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो हम टेस्ट परफॉर्म हो रही हैं वो ठीक हैं या नहीं, या हम क्वालिटी कंट्रोल में पेशेंट या डॉक्टर को इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे लेब में जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं वो टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, या क्वालिटी कंट्रोल में हम अपने एरर्स को ख़त्म करते हैं ताकि हमारे जो टेस्ट हों वो एक्यूरेट हों, या फिर क्वालिटी कंट्रोल में हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? क्वालिटी कंट्रोल को क्यों मेंटेन करना चाहिए? उसकी रिपीटेड जो टेस्ट हमारी होती हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि अगर हमारी जो रिजल्ट में हमें श्योरिटी नहीं होगी तो हम बार बार उसको रन करते रहते हैं, और उसको इंश्योर करने के लिए कि हम एक दफ़ा दोबारा रन करके देखते हैं टेस्ट कि आया कि इसका ग्लूकोज लेवल सच में बढ़ा हुआ है या नहीं। तो अगर हमारा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होगा तो हमें कोई भी टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, टू इंश्योर पेशेंट एंड डॉक्टर और पेशेंट को इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर ट्रू रिज़ल्ट जो हमारे होते हैं और को इंश्योर करने के लिए कि हमारे रिजल्ट हैं वो बहुत ही ट्रू हैं, तो रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हमारी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होगा और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके ही अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें दोबारा उसको टेस्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट कैन बी डन इन अकॉर्डिंग टू इट्स रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो ट्रू वैल्यूज़ होंगे उसके मुताबिक हमारी जो है रिजल्ट जाएंगे और उसके मुताबिक पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी, और अगर हमारे रिजल्ट ट्रू नहीं होंगे तो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होगी वो ठीक या सही मेडिसिन से नहीं होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट दोबारा टेस्ट करवाएगा, दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा और दोबारा ट्रीटमेंट या मेडिसिन लेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस बढ़ सकता है। और क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हमारी जो एरर्स होती हैं हम अपने एरर्स को ख़त्म करते हैं। एरर्स को ख़त्म करके हमारी जो एक्यूरेसी होती है और एक्यूरेट हमारे होता है रिजल्ट, उसको हम एनहेंस करते हैं। तो एरर्स देखें कितने टाइप्स के होते हैं। एरर्स को हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, जो कि प्री एनालिटिकल एरर हैं, एनालिटिकल एरर और पोस्ट एनालिटिकल एरर हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्री एनालिटिकल एरर को, तो प्री एनालिटिकल एरर को हम नॉन एनालिटिकल एरर भी कहते हैं। ये वो जिसमें हमारे सबसे पहले सबसे ज़्यादा एरर्स आते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम रेशो को देखें तो 46 to 68.2% है,
इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी एरर के। ये इसका एरर जो शुरू होता है वो तब शुरू होता है पेशेंट की जब असेसमेंट हो रही होती है, तब इसका टाइम शुरू होता है। इसमें कौन कौन से एरर आते हैं, टेस्ट ऑर्डर एंट्री, हमारे टेस्ट कुछ और इंटर करना था, फॉर एग्जांपल पेशेंट को टेस्ट करवाना ना था ग्लूकोज, तो उसकी जगह हमने कोलेस्ट्रॉल की एंट्री दे दी मशीन में, मशीन में या अपने सॉफ्टवेयर में। यार टेस्ट कंप्लीशन हो गई, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गई, पेशेंट को हमने सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया, हमें किसी और पेशेंट की ग्लूकोज टेस्ट लेनी थी और हमने उसको छोड़ के किसी दूसरे पेशेंट की टेस्ट ले ली, तो ये भी एक एरर है। पेरी एनालिटिकल का एग्जाम्पल है, स्पेसमिन कलेक्शन का है, स्पेसमिन हमने ठीक तरीके से इसके से कलेक्ट नहीं की, स्पेसमिन हमें किसी और कंटेनर में लेनी थी और हमने किसी और कंटेनर में ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्लूकोज लेना था सोडियम फ्लोराइड में और हमने ग्लूकोज ले लिया एडीटी ट्यूब में, तो ये भी एनालिटिकल एरर में आ गया। या स्पेसमिन की ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने ठीक तरीके से नहीं की, उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखा और कंटेनर जो हमारा था वो एडिक्वेट नहीं था, या सैंपल हमारा पूरा नहीं हो जितना मैं रिक्वायर था टेस्ट के लिए वो उतना हमने नहीं लिया, या फिर एंटीकोगुलिंग का जो रेशो था कंटेनर में या ट्यूब में वो पूरा नहीं था, जिसकी वजह से सैंपल में कोई वेरिएशन आ गई, या फिर लेबलिंग एरर हो जाता है हमारा, हमें लेबल कुछ और करना था लेकिन हमने लेबल कोई दूसरी टेस्ट कर दी, या फिर जो सैंपल का हमारा वॉल्यूम था वो एडिक्वेट नहीं था, हमें जितना वॉल्यूम चाहिए था उतना नहीं मिला। तो ये एनालिटिकल एरर में सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। और एनालिटिकल एरर को हम देखें, ये वो फेस है जिसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स होती हैं, ये इसमें बहुत सारी बहुत ही कम मिस्टेक्स होती हैं। जब हमारे लेब में ये सैंपल आ जाता है कलेक्ट होके, तो वहाँ से ये फेस शुरू होता है, उसके दौरान जो भी हमारी मिस्टेक्स आती हैं, एरर्स आती हैं, वो एनालिटिकल एरर में आएंगी। एनालिटिकल एरर में कौन कौन सी होती हैं एरर्स, इक्विपमेंट इम्प्रॉपर फंक्शन, इक्विपमेंट का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता और हम उसको देख नहीं पाते, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते जिसकी वजह से वो फॉल्स रिजल्ट देता है, या हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसकी जो प्रोब्स होती हैं वो ठीक से पाइपेटिंग नहीं करती, या वो जो हम डाइल्यूशन बनाते हैं चाहे मैनुअल बनाएं या चाहे हम मशीन में बनाएं तो वो प्रॉपर काम नहीं करती, वो हम ठीक नहीं बनाए, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सैंपल मिक्स होता है किसी भी चीज़ से, सैंपल में कोई मिक्सचर आ जाता है, या फिर हमारे क्वालिटी कंट्रोल में जो हम कैलिब्रेशन या कंट्रोल रन कर रहे हैं उसमें कोई फेल्योर आ गया है, या हम कोई प्रोसीजर पूरा नहीं कर रहे, शॉर्टकट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है, या फिर जो हमारे एनालाइजर में या मशीन में जो रिएजेंट है वो हम उसकी स्टोरेज ठीक नहीं रख रहे, आया कि उसका रूम टेम्परेचर है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, या फिर उसका माइनस में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है तो उसको हम बाहर रख रहे हैं रूम टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से भी फर्क आ सकता है, या फिर रिएजेंट एक्सपायर हो चुका है हमें पता नहीं, हम फिर भी मशीन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एनालिटिकल एरर्स आ सकती हैं। ये फेस तब शुरू होता है जब रिजल्ट आ जाता है या टेस्ट हो जाती है। इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, टाइपिंग एरर्स इन रिजल्ट होते हैं, मशीन ने हमें रिजल्ट तो सही दे दिया लेकिन जब हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में या अपने सॉफ्टवेयर में तो हमें ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइप करना है 70 ग्लूकोज, तो 10 हमने ज़्यादा दे दिया, टाइपिंग एरर हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो पेशेंट को वो रिजल्ट चला गया 700 10 की वजह से, टाइपिंग एरर की वजह से, तो ये पोस्ट एनालिटिकल एरर है। रिपोर्टिंग में कोई फेल्योर हो गया, रिपोर्टिंग ठीक तरह से नहीं पहुंची, या रिपोर्टिंग में कोई हमने फॉल्ट किया है, रिपोर्टिंग में कोई मिस्टेक की हमने, डेटा की जो एंट्री हुई है रिपोर्टिंग में
कहीं दफा मिस्टर को मिस कर दिया या फिर डेट वगैरह की हमने मिस्टेक कर दी, तो ये भी पोस्टिंग वाले कल में आता है। और क्रिटिकल जो रिजल्ट होते हैं उसकी रिपोर्टिंग हमने इम्प्रॉपर कर दी, बगैर जानकारी लिए पेशेंट की हिस्ट्री लिए हमने रिपोर्ट आउट कर दी। बहुत ही क्रिटिकल रिजल्ट था, उसको हमने सॉर्ट आउट नहीं किया, ऐसे ही उसको जाने दिया। तो ये भी पोस्ट एनालिटिकल एरर में चला जाएगा। इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, और वो मेजर्स जब तक हम नहीं लेते तो तब तक एरर्स बार बार रिपीटेडली हमारे पास आते रहते हैं, और हम हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिस्टर्ब होता है। वो जो हम मेजर्स लेते हैं वो हम मेजर्स लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है मयार की यकीन दहानी, अगर हम उर्दू या हिंदी में देखें तो। तो वो सारे जो भी मेजर्स होते हैं वो हम इसमें लेते हैं, ताकि हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्वालिटी कंट्रोल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और वो जो हम मेजर्स लेते हैं उसमें आप देखें, सबसे पहले टेस्ट ऑर्डर एंट्री है वो हमें ठीक से करनी है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से करनी है, स्पेसिमेन कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल करनी है, अप्रोप्रिएट कंटेनर यूज़ करना है, जो हमें रिक्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पॉलिसी वही कंटेनर यूज़ करना है, और एंटीकॉगुलेंट का जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा जिस टेस्ट के लिए चाहिए वो भी हमें उतना पूरा चाहिए, उसको हम मेंटेन रखें, लेबलिंग अपनी प्रॉपर करें, सफिशियंट जो वॉल्यूम है जो हमें चाहिए किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उतना ही वॉल्यूम हमारे कंटेनर के अंदर होना चाहिए, इक्विपमेंट का चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस देनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट को ताकि क्वालिटी कंट्रोल डिस्टर्ब ना हो, पाइपेटिंग को ठीक करना चाहिए, चाहे वो मशीन की हो या चाहे हम वो मैनुअल पाइपेटिंग कर रहे हैं, उसको हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, और सैंपल जो हमारे मिक्सअप हो रहे हैं उसकी इंटरफेरेंस हो रही है उसको भी हमें देखना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, रिएजेंट की जो स्टोरेज होती है वो हमें प्रॉपर करनी चाहिए, जिस तरह से रिएजेंट का प्रोटोकॉल होता है, रिएजेंट में पेपर्स होते हैं या रिएजेंट के ऊपर भी उसकी टेम्परेचर लिखी होती है, तो उसके हिसाब से हम उसकी स्टोरेज करें, एक्सपायरेशन की चेकअप करनी चाहिए, जब वो मशीन जब वो रिएजेंट एक्सपायर हो रहा है तो उसी टाइम उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, मशीन से निकालना चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, परफेक्ट टाइपिंग इन रिजल्ट्स करनी चाहिए, रिपोर्ट टाइम पे रिपोर्ट करनी चाहिए, डेटा एंट्री अपनी प्रॉपर करनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यूज़ की जो रिपोर्टिंग है वो हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए और प्रॉपर करनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। सबसे पहले एक्यूरेसी की देखें, एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में हम हमारा जो रिजल्ट ऑब्टेन आ रहा है और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उसके दरमियान हम देखते हैं कि उनका डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का एक्चुअल जो रिजल्ट है वो 100 है, और उसके बाद हमें ऑब्टेन क्या हो रहा है, हमें पता है कि इस चीज़ का ऐसे सैंपल का जो रिजल्ट है वो 100 है, और उसके बाद हम अपनी एक्यूरेसी के लिए दोबारा उसको रन कर रहे हैं किसी एनालाइजर में, तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारी एक्यूरेसी होगी। मैं आगे जाके ग्राफ पे भी आपको समझाता हूँ। एक्यूरेसी को हम एक ब्याज भी कहते हैं, और इसको ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है। अगर रिजल्ट हमारा हायर साइड आ रहा है, हमारा जो ऑब्टेंड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा उससे हमारा ऑब्टेंड जो रिजल्ट आएगा जो हमने ऑब्टेंड किया है वो अगर लोअर साइड आ रहा है तो ये नेगेटिव होगी। आगे देखें आप इस पे, हमें पता है कि इस ये जो ग्लास है इसका वेट है 100 ग्राम, इस ग्लास का वेट 100 ग्राम है, और इस ग्लास का भी 100 ग्राम है, लेकिन ये जो मशीन है ये हमें 100.00 ये 100 हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है, तो हम कह सकते हैं ये एक्यूरेट है।
और ये जो मशीन है ये हमें रिजल्ट दे रही है 98.78, तो ये इनअक्यूरेट है। तो हमें हमें मालूम था कि जो हमारा एक्चुअल वो था रिजल्ट था वो 100 था, और ये मशीन हमें 100 ही दे रही है, तो ये एक्यूरेट है। आप देखें इसकी जो एक्यूरेसी वो हाई है। ठीक है, ये जो हमारा टारगेट पॉइंट है बार बार इसको टच करना चाहिए, तो ये हमारी एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन, प्रिसीशन हम उसको कहते हैं कि एक रिजल्ट आ रहा है उसके बाद जो हमने रिजल्ट लिया है वो दोनों आपस में कितने क्लोज हैं। ये देखें ये हमारी प्रिसीशन है, ये हमारे टारगेट पे नहीं आए लेकिन ये जो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं ये हमारी प्रिसीशन है। एक्यूरेसी हमारी ये है कि ये जो हमारा सर्कल था इसको बार बार हमारे टारगेट को ये रिजल्ट टच कर रहे थे। इसमें देखें ना तो ये आपस में क्लोज हैं रिजल्ट, और ना ही ये हमारे टारगेट को बार बार टच कर रहे हैं, तो इसमें ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीशन है। इसमें देखें इसमें हमारे बार बार टारगेट को टच भी कर रहे हैं और आपस में कोरिलेट भी कर रहे हैं, बिल्कुल करीब हैं, तो इसमें हमारी एक्यूरेसी भी है और प्रिसीशन भी है। अब देखें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ये हमारी वेल नोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होती है जो हम एनालाइजर में रन करते हैं उसकी टेस्ट को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, बट हम इनको हमारे जो वेंडर होते हैं वो हमें अवेलेबल करके देते हैं, बट हम इसको लैब्स में भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। देखें दोस्तों जैसे ही हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रन करते हैं तो उसके बाद मशीन में ये ग्राफ आता है और ये कर्व बनती है। अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन पे बन रही है और ये रिजल्ट इसी कर्व को बार बार टच कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो सही काम कर रहा है हमारे एनालाइजर के अंदर। अगर हम मिसाल लें माइक्रोलेब 300 की, तो ये हमारी माइक्रोलेब 300 और ये हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं टेस्ट को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। अभी स्पेसिटी है, स्पेसिटी एक प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हमारा टेस्ट नेगेटिव आता है, और अगर डिजीज हो ना हो तो हमारा जो टेस्ट आता है वो नेगेटिव आता है। ये ट्रू नेगेटिव होता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम 100 पेशेंट की टेस्ट ले रहे हैं हेपेटाइटिस, और 100 में से 90 नेगेटिव आ रहे हैं और 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमारी स्पेसिफिटी 90 है। और स्पेसिफिटी हमेशा डिजीज फ्री होती है, मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट आता है हमारा वो हमारी स्पेसिफिटी कहलाती है। और हमारी सेंसिटिविटी होती है, तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी के उलट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने 100 टेस्ट लिए, जैसे कि पहले मैंने बताया कि हमने 100 लोगों के हेपेटाइटिस टेस्ट किए और उसके रिजल्ट हमने मालूम किए, तो 90 नेगेटिव थे और 10 पॉजिटिव थे, तो हम कह सकते हैं कि आवर स्पेसिटी इज 90%, बट आवर तो हम कह सकते हैं हमारी स्पेसिफिटी है वो 90% है, बट हमारी जो सेंसिटिविटी है वो 10% है। सेंसिटिविटी रिफर्स टू द पॉजिटिव वैल्यूज। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है कि इंटरफेरेंस में हम कोई भी अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी सब्सटेंस और प्रोसेस की वजह से उसके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है और हमारा फॉल्स रिजल्ट आ जाता है। इंटरफेरेंस हम देखेंगे दो किस्म की होती है, एंडोजीनस इंटरफेरेंस होती है और एक्सोजीनस होती है। एंडो एंड एक्सो कॉलेज लेवल पे भी ये टर्म यूज किए जाते हैं, तो इसके टर्म से भी आप समझ गए होंगे एंडो कौन सी होती है और एक्सो कौन सी होती है। एंडो मीन्स के इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ये जो टर्म होते हैं वो यूज होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए, एंडो एंड एक्सो। तो हम एंडो की इंटरफेरेंस को देखें, ये लेब की इनसाइड इनसाइड इंटरफेरेंस होती है ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले मिसाल दिया वो यहाँ पे भी लगता है कि हमने EDT ट्यूब में हमें पता है कि वो चिलेडिंग एजेंट्स होते हैं जो कि कैल्शियम की साइड बाइंड हो जाते हैं और कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं और क्लाटिंग को प्रिवेंट कर देते हैं।
अगर हम EDT ट्यूब में कलेक्शन करने हैं और उसी ट्यूब से हम कैल्शियम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारे फॉल्स रिजल्ट आएंगे जो कि हमारी एंडोजीनस इंट्रम्पशन होगी। और एक्सोजीनस का मिसाल लें कि हमारी जो एक्सोजीनस जो होती है वो आउटसाइड द लेग होती है, और उसका अगर हम मिसाल लें तो हमारे जो स्पेसमैन की कलेक्शन है तो उसके जो टेम्परेचर है उसकी डिजायर्ड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मीट नहीं होती, और टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो भी एक्सोजीनस इंटरफेरेंस होगा। या फिर हम देखते हैं कि कोई पेशेंट है तो उस वो मेडिकेशन ले रहा है और मेडिकेशन की वजह से उसके केमिकल चेंज हो रहे हैं या इम्बेलेंस हो रहे हैं और वो हमारे हमारे पास आ रहे हैं हमें टेस्ट करवाने, तो उसकी मेडिकेशन की वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं उन पे बहुत इफेक्ट होगा, वो भी फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। और इसका असर जो होता है वो मेडिकेशन की वजह से होता है, वो ये भी एक्सोजीनस इंटरफेरेंस होती है। डिटेक्शन लिमिट दूसरी आती है। डिटेक्शन लिमिट क्या होती है? डिटेक्शन लिमिट होती है वो जो हमारी किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए लो से लो जो स्पेसमेन होती है उस लेवल पे हम अगर डिटेक्ट करते हैं तो वो हमारी डिटेक्शन लिमिट होती है। और सिंपल कंट्रोल हमारा क्वालिटी कंट्रोल में आता है। मैंने कंट्रोल और कैलिब्रेटर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे पहले वीडियो बनाया था, तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल में देख लीजिएगा कि कंट्रोल क्या होते हैं, कैलिब्रेटर क्या होते हैं, हम कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। बट छोटा सा अगर ओवरव्यू दूं तो कंट्रोल क्या होते हैं? कंट्रोल हम एनालाइजर में रन करते हैं उसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन को देखने के लिए। कंट्रोल पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं और कंट्रोल की लेवल्स भी होती हैं। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। और कंट्रोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है रन करने की, हर 8 घंटे के बाद अकॉर्डिंग टू WHO प्रोटोकॉल हमें हर 8 घंटे के बाद कंट्रोल अपने एनालाइजर में रन करने होते हैं। और कंट्रोल रन करने के बाद हमें अपने एनालाइजर की एक्यूरेसी और प्रेसिशन चेक करनी होती है। अगर कंट्रोल हमारे पास 2 हैं, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, तो हमें एक कंट्रोल मॉर्निंग रन करना पड़ेगा और दूसरा कंट्रोल इवनिंग या नाइट शिफ्ट में रन करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल हमारे पास लेवल्स वाले हैं, लेवल 1 2 3, 3 फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास कंट्रोल की, तो हम एक दिन में 3 हम रन करेंगे, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में और दूसरा नाइट में रन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर दें, हम बहुत जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। थैंक यू।